ये खबर खरगोन जिले के भगवानपुरा से, जहां की ग्राम पंचायत मोहना के रोजगार सहायक से एक महिला ने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। आपको बता दें कि रोजगार सहायक मनोज खांडे के खिलाफ भोपाल की महिला संजना प्रियांशी ने रोजगार गारंटी के कामों को लेकर शिकायत की थी। इसकी जांच करने पर शिकायत झूठी पाई गई। ऐसे में जब रोजगार सहायक ने महिला से शिकायत वापस लेने के लिए कहा तो महिला ने रुपए की मांग की। इस दौरान भगवानपुरा जनपद सीईओ आरिफ खान ने बताया कि शिकायत झूठी मिलने के बाद भी महिला ने पैसों के लिए रोजगार सहायक पर दबाव बनाया, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई। मामला ये है कि संजना प्रियानी, जो कि अपने आप को पत्रकार बताती है कि मैं भोपाल की बहुत बड़ी पत्रकार हूँ, और उसमें शिकायत ये करी थी कि आपने मतलब कि निर्माण कार्यों में मशीनों से कार्य किया। मैंने उनसे अनुरोध करा कि मैडम, ये जो आपने जो शिकायत करी है ये गलत है, ये तो इसको आप हटा दीजिए। तो उन्होंने ये बोला कि मैं तो नहीं हटा सकती हूँ, आप मुझे 20,000 रुपये की मांग करी थी कि मुझे 20,000 रुपये दीजिए। फिर भी वो अपनी मतलब कि जीत के अड़े हुए हैं, और मैं मानसिक रूप से परेशान हो गया था, और मैंने इस कारण से मैंने उनकी एफआईआर रिश्वत भी मांगी थी आपसे, कुछ पैसा भी मांगा। रिश्वत में 20,000 की मांग करी थी। संजना प्रियानी करके, जिनके द्वारा ग्राम पंचायतों में सीएमएल बैंक की शिकायतें की गई थी, और प्रथम दृष्टया वो शिकायतें गलत पाए जाने पर ग्राम पंचायत के सचिव जीआरएस द्वारा उनसे संपर्क किया गया कि शिकायत को आप कृपया करके काट दें। लेकिन ऐसा उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने पैसे की मांग की है, 5,000 रुपये उनके द्वारा दे भी दिए गए थे, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। मामला जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया तो उनके द्वारा एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए। उसी के तारतम्य में जीआरएस और ग्राम पंचायत के द्वारा उनके खिलाफ थाना विस्तार में।